इसके बाद अब हम आगे चल रहे हैं शिव पुराण में क्रम से आगे आगे जो लिंग हैं हम सुनते जा रहे हैं। जैसे केदारेश्वर हमने सुन लिया, अब एक बार भोलेनाथ ने भीमाशंकर रूप धारण किया है। आप लोगों को भीमाशंकर लिंग कहां पर विराजमान है ये बताता हूं। चलिए, भीमाशंकर शिवलिंग, इसके बारे में दो स्थानों का नाम आता है, एक तो पुणे महाराष्ट्र में और दूसरा असम में कामरूप बंद। कैसे, चलिए कथा सुनते हैं। स्थान भले ही दो हो मान्यता में, लेकिन कथा एक ही है, कथा में कोई द्वंद्व नहीं। सावधान होकर सुनिए। एक बार की बात है, एक भीम नाम का राक्षस जन्मा, जिसकी माता का नाम था कर्कटी। ये बड़ा बलवाला था, लेकिन जब बड़ा हो रहा था तो एक दिन इसने अपनी माता से अपने पिता के बारे में, अपने खानदान के बारे में पूछा। तो इसकी माता कर्कटी ने बताया, बेटा वास्तव में तू अगर जानना चाहता है तो सुन, तेरे पिता का नाम है कुंभकर्ण और मेरे पति का नाम है राक्षस राज विराट। कही अलग कैसे, देखो मेरे पति जो थे उनको तो जो श्री राम नाम के विष्णु अवतार जो आए थे उन्होंने जंगल में मार डाला था, तो मैं विधवा हो गई थी। तब मुझ विधवा नारी पर बलात्कार करते हुए कुंभकर्ण यहाँ से निकल रहा था, उसी ने मेरे ऊपर मेरे साथ रमण किया और मेरे ऊपर बलात्कार किया। तो उससे उस कुंभकर्ण नाम के महापराक्रमी बलवान के ही पुत्र के रूप में तेरा जन्म हुआ। जब मेरे पति मर गए तब मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी, लेकिन मेरे माता पिता ने एक बार तेजस्वी ऋषि अगस्त जी के ही शिष्य को अपना भोजन बनाना चाहा, खाना चाहा। तब उस विष्णु भक्त सामर्थ्यवान अगस्त शिष्य ने अपनी क्रोध अग्नि से मेरे माता पिता को जलाकर भी नष्ट कर दिया। तभी से मैं अनाथ हो गई और तेरे साथ तेरे माता पिता सास मतलब नाना नानी कोई साथ नहीं। इस कथा को सुनकर तीन जगहों से पीड़ित होकर उसने बहुत दुख मनाया, कहा विष्णु ही है मेरा शत्रु, तब मुझको कठोर तप करके उन्हीं से बदला लेना होगा। तब सज्जनों इसने क्या नाम है इसका, भीम ने 1000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर और सूर्य की तरफ अपनी दृष्टि को जमा करके ऐसा कठोर तप किया महाराज, ब्रह्मा जी को आना ही पड़ा और जो चाहे वो वरदान देना पड़ा। वरदान क्या मांगा, कहा मैं अति बलवान हो जाऊं, तो उसको अति बलवान ही कर दिया, बल कभी कम ना पड़े। जैसे ही अति बलवान बनाया उसने महाराज धीरे धीरे करके सारे देवताओं के पास गया और पूरे देवताओं को हरा कर परास्त करके उसने विजय कर ली अपनी। फिर इसके बाद विष्णु भगवान के पास गया, उनसे युद्ध किया और उन्हें भी युद्ध में परास्त कर दिया, इसने उनको भी हरा दिया। इसके बाद फिर पृथ्वी लोक की तरफ आया, पृथ्वी लोक में हिमालय की दक्षिण की तरफ कामरूपेश्वर नाम के हमारे एक राजा थे जो कि शिव भक्त थे, उनका राज्य उसको न केवल राजा को सेना के साथ हरा दिया, उसका धन हड़प लिया, बल्कि उसका सर्वस्व छीनकर उसको अपने सामने हथकड़ियां बांधकर अपमानित करके उसको जेल खाने में कैदी बना दिया, डाल दिया और वहां से आगे संसार को जीतने चला गया। दूसरी तरफ उसने पूरे भूखंड को जीत लिया, सब में जीत गया, लेकिन जिस राजा को उसने सबसे पहले बंदी बनाया था उस राजा ने, क्योंकि शिव भक्त था, चाहे जेल में ही क्यों ना हो मारे, हर परिस्थिति में भगवान को उसने भजना नहीं छोड़ा, वहीं पर पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का पूजन करता, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भजन करता उसकी भक्ति से। दूसरी तरफ सज्जनों, ये तो एक तरफ की बात हुई, दूसरी तरफ देवताओं ने भी भगवान भोलेनाथ का आराधन किया। कहाँ किया देवताओं ने आराधन, उन्होंने देवताओं ने आराधन किया है सज्जनों महाकोशी नदी पर, और महाकोशी नदी पर हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ को रिझा कर उनसे प्रार्थना करी, प्रभु ये जो भीमा ये जो असुर है इसने आतंक मचाकर सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया है, अब आप ही हैं जो हम सबको बचा सकते हैं, आप कृपा करना। तो भगवान उस वक्त जब वहां पर पहुंचा ना भीम अपनी कामरूपेश्वर राजा के सामने, तो राजा ने अपना लिंग उसे दिखाया, शिवलिंग देखकर कहा कि तुझे किसकी पूजा करने की पड़ी है, मैं हूँ सबका भगवान, मेरी पूजा कर तू। कहा नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुझी की पूजन करना चाहता हूँ।
बस फिर क्या, उसने उसी शिवलिंग पर खड़क से जो प्रहार किया, नारायण ने उसके प्रहार को काटते हुए अपने पिनाक से उसकी तलवार के दो टुकड़े कर दिए भोलेनाथ ने। और जैसे ही वहां प्रकट हुए विशाल रूप में महाराज, वहीं पर उन्होंने युद्ध शुरू किया। बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। तभी नारद जी महाराज बोले, प्रभु क्यों आप अपने इस युद्ध को बढ़ा रहे हैं? आप अपने एक हुंकार भर से भी इसको नष्ट कर सकते हैं। आप सृष्टि के नियंता हो, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाले सदाशिव हो, खत्म कीजिए। तब भोलेनाथ ने अपने विशाल रूप को याद करते हुए एक हुंकार भरी। उस एक हुंकार में न केवल भीमासुर बल्कि सारे राक्षस वहीं पर समाप्त हो गए। हेलो भीमाशंकर भगवान की जय। क्योंकि वहां पर भोलेनाथ ने उस भीम नाम के असुर का अंत किया, तो उनका नाम, उस ज्योतिर्लिंग का नाम, उस राजा की उस बहुत निवेदन से, उसकी कामना से, राजा तूने हर परिस्थिति में मुझको नहीं भूला, मुझे याद रखा तूने, मैं तुझे वरदान देता हूँ, मैं यहीं रहूंगा, यहीं निवास करूंगा, भक्तों का कल्याण करूंगा। इस नाम से भोलेनाथ वहीं पर स्थित हो गए, जिसको हम भीमाशंकर के ज्योतिर्लिंग से भी कहते हैं। और क्योंकि दो नाम बताए ना मैंने आपको, कहाँ है आज के भीमाशंकर? तो सुनिए, प्राचीन काल में आसाम के क्षेत्र को कामरूप वन के नाम से पुकारा जाता था, इसलिए ये मान्यता बहुत ज्यादा मानी जाएगी कि भोलेनाथ उसी क्षेत्र में अपने शिवलिंग के माध्यम से विराजमान हो गए। तो भीमाशंकर आए बोले, भीमाशंकर हरे हरे बोले, भीमाशंकराय भीमाशंकराय हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलो भीमाशंकर महादेव की जय। अब जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं वो लोग बताएंगे, बोलो कितने लिंग हो गए भोलेनाथ के, कितने ज्योतिर्लिंग हो गए?